पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों दिल्ली में नगर निगम चुनाव का जो संग्राम है आज उसके नतीजे आ जाएंगे कि नगर निगम चुनाव जिसमें देखिए पिछली बार बीजेपी ने बढ़त हासिल की थी 181 सीटें जीती थी, क्या इस बार बीजेपी दोबारा बहुमत से जीत पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी की झाड़ू चल जाएगी, इसके नतीजे देखिए धीरे धीरे सामने आने शुरू हो गए हैं। और आपको अभी का माहौल अगर मैं बताऊं तो आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं, लगातार जश्न का माहौल हो रहा है। क्योंकि अगर आप बात करेंगे नतीजों की तो नतीजों में इस वक्त आम आदमी पार्टी आगे चलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, लगातार आम आदमी पार्टी आगे चलती नजर आ रही है। अगर आंकड़ों की मैं बात बताऊं तो 125 सीटों पर यहां पर इस वक्त आगे चल रही है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल आगे चल रहे हैं। और वहीं इस वक्त बीजेपी जो है, बीजेपी अभी 116 सीट आप बोल सकते हैं, 116 से 120 सीट, इससे ज्यादा अभी तक बीजेपी नहीं बढ़त बना पाई है। कुछ सीटों के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं, कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीत भी रहे हैं, कुछ सीटों पर बीजेपी के भी प्रत्याशियों की जीत हुई है। लेकिन ज्यादातर अगर आप आगे बढ़त की बात करेंगे तो यहां पर आम आदमी पार्टी आगे आती हुई नजर आ रही है। तो देखिए इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि 15 साल से जिस नगर निगम की सत्ता में बीजेपी विराजमान थी, अब ऐसा हो सकता है कि बीजेपी को या तो उखाड़ फेंके आम आदमी पार्टी या फिर उस पर झाड़ू चला दे, पूरी तरीके से क्लीन स्वीप एकदम, वो सारी चीजें नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि जो जश्न का माहौल आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर होना शुरू हो गया है, अब वो जश्न का माहौल जो है जिस चीज के लिए किया जा रहा है, जिस जीत के लिए किया जा रहा है, वो जीत आम आदमी पार्टी को मिलती है या फिर नहीं। दोस्तों बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।